देखो गैस, मैंने गलका ले लिया, इसको सब्जी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखना, ये शुगर वालों को, बीपी वालों को खाने से फायदा होता है गैस। अब इसको मैं फटाफट छील लेता हूँ, फिर आप लोग बना के दिखाता हूँ। इसको उत्तर प्रदेश में घेवड़ा बोल जाता है, देसी घेवड़ा, और गुजरात में, पंजाब में इसको गलका बोला जाता है। इसका खाने से बहुत फायदेमंद होता है। देखिए गाइस, मैंने छील लिया, पूरा छिलका ऐसे निकालते हैं। आप फ्रूट भी इसको फ्रूट भी सकते हैं, मैं तो निकाला अपने हिसाब से। अब फटाफट काट देता हूँ गाइस। देखो गाइस, काट लिया हूँ, इसको धो लेता हूँ फटाफट, अच्छा रहता है। धो लिया हूँ गाइस, अब मैं जीरा डाल रहा हूँ। अब मैं कृष्णा का कंपनी का तड़का दूँगा। डाल दिया हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे से मिला लेता हूँ गाइस। अब धीमी आंच पर पकेगा। देखिए गाइस, एक चम्मच नमक डाल दिया हूँ आधा टी स्पून। अब इसको मिला लेते हैं, इसको दिमाग से खुला ही इसको बनाएंगे। इसको रखेंगे तो ग्रीन पन चला जाता है, इसको खुला ही बनाएंगे। देखिए गाइस, इसको ऐसे ही होना चाहिए, ग्रीन जैसा दिख रहा है, हल्का से उतरेगा। इसको ढकने का नहीं, ये ग्रीन पन आपका चला जाए, स्वादिष्ट सब्जी ऐसे ही बनेगा। देखो गाइस, फोन अब चला गया है। हमें दो टमाटर काटा था और इसको छोड़ देते हैं। बस अदरक मीठी चीज को डालने बाकी है, स्वादिष्ट सब्जी हमको तैयार है। देखो गाइस, इतना अदरक लिया, फिर मिर्ची लिया, इतना मछली को डालूंगा, मीठा अपने हिसाब से डालिए गाइस। देखो गाइस, मिर्ची अदरक मिलते हैं। देखो गाइस, मैंने पीस लिया, मैंने डाल दिया और मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया। आप बनाकर इतना पानी डालोगे बनाना है, इसको आपका पानी खुद हो जाए, मुझे छोड़ देगा, पानी नहीं डालते। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं गाइस, इसमें कलर आ जाएगा। मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया गाइस, अच्छी। अब हम इसमें धनिया काट देता हूँ, काट के डाल देता हूँ। देखिए गाइस, ग्रीन ग्रीन सब्जी बन के तैयार हो गया। हम लोग को कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में बोलने का। देखो गाइस, मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया है, इसीलिए प्याज लहसुन नहीं डाल रहा हूँ गाइस। नवरात्रि चल रहा है, प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, प्याज डाल के प्याज लहसुन डालते हैं। तो हमारा गाइस सब्जी बन के तैयार हो गया, स्टोरी का कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में बोलने का। जय माता जी। दोस्तों, बच्चे को बोलना दोस्तों, बात करें हमें डॉक्टर।